खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने जिस तरह कल सरकारी अधिकारी पर हमला बोला और जेल पहुंच गए, उसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर है। आज इंदौर में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को आना था, लेकिन दोनों ने ही अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, आज कार्यक्रम के लिए नहीं पहुंचे बीजेपी नेता। बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम आज पहले से तय था। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को आना था, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे। हम आपको याद दिला दें कि कल आकाश विजयवर्गीय ने बैट से पिटाई की थी एक अधिकारी की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कल का वीडियो है ये। तो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उनके द्वारा कल किया गया, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से बीजेपी के लिए कल बहुत शर्मिंदा होने का दिन था, विधायक ने और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर नेता के बेटे ने इस तरीके से अभद्रता करी, मारपिटाई करी, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं प्रदेश में भी बैकफुट पर? बिल्कुल शोभना, यही हो रहा है। मैं इस इलाके में हूँ और मेरे पीछे वो मकान है, आप देखिए तकरीबन 100 साल पुराना मकान है, बहुत ही जर्जर हालत में है। मकान मालिक का कहना है कि लंबे समय से नोटिस मिलना था, 4 किराएदार यहाँ लंबे समय से थे, उनमें से 3 ने खाली कर दिया था, एक चौथा किराएदार को कुछ आपत्ति थी, उसको भी समझाइश बुझाइश दी जा रही थी। मगर कल जिस तरीके से यहाँ पूरी घटना हुई है, इस घटना की भी यहाँ के सारे लोग निंदा कर रहे हैं कि एक नगर निगम कर्मचारियों को जिस तरीके से यहाँ के एक विधायक ने कानून हाथ में लेके बुरी तरह मारा पीटा, चप्पलों से दौड़ाया पूरा, और ये जो वो जेसीबी मशीन है जिसमें तोड़फोड़ की गई है, इसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ मोहल्ले के लोग हैं, हमारे साथ इस मकान के मकान मालिक पटेल साहब भी हैं। पटेल साहब, ये कितना पुराना मकान है? ये 100 वर्ष पुराना मकान है, हमारी पैतृक संपत्ति है ये, और हमारे बाप दादाओं से ने बनाया था ये मकान। और तो आपको नोटिस कब से मिल रहे थे खाली करने के लिए? ये 2014-15 से नोटिस मिलना चालू हो गया था हमको कंटिन्यूएशन में। तो आपने खाली करने का मन तो बना ही लिया था, सबको खाली करवा दिया था? हाँ बिल्कुल सर, हम भी खुद इसी मकान में रहते थे, लेकिन पिछले 2 साल से फिर ये मकान जर्जर अवस्था में था तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, बीजेपी और आकाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि इस मकान को कांग्रेस नेता के लोगों ने खरीद लिया है, वो सब दबाव बना रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये सब अफवाह है, अगर वो खरीदते तो फिर वो इन्वॉल्व करते ना, फिर हमारा क्या होता? हमने सब पूरा सेट वो करा, किराएदारों को समझाइश वगैरह दिए, और नोटिस भी हमारे नाम से ही आए हैं अभी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बल्ले से सरकारी कर्मचारी पर इसलिए हमला बोला क्योंकि वो एक जर्जर मकान को गिराने आए थे। जिस मकान को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, उस मकान को हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत आपको दिखाएंगे, आप भी देखिए। और के गंजी कंपाउंड का यही वो इलाका है जहां कल विधायक आकाश विजयवर्गीय का झगड़ा हुआ नगर निगम कर्मचारियों के बाद से, और ये वो मकान है मेरे पीछे गंजी कंपाउंड का, ये काफी पुराना मकान है, जर्जर मकान है, जिसके लिए नगर निगम ने काफी पहले नोटिस देके मकान खाली करने की का ऑर्डर किया हुआ था, और इसी मकान को खाली करवाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए थे, और इसी के बाद विवाद बढ़ा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बिल्डिंग को गिराने के लिए ही नगर निगम की ये जो जेसीबी आई थी, और मगर बाद में जो तोड़फोड़ हुई तो जेसीबी के ड्राइवर को मारा गया, इस गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, और जो जिस तरीके से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के कर्मचारियों को मारा है बैट से, उसके बाद से पूरे देश भर में इस बात की निंदा की जा रही है, और इस बात को लेकर बड़ा हल्ला है कि किस तरीके से एक विधायक ने खुद कानून अपने हाथ में लिया। हमारे साथ कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा। भाई साहब, क्या हुआ था? कल ये नगर निगम खाली करने आई थी, मतलब तोड़वाने के लिए आई थी खतरनाक मकान का, तो सबके यहाँ निपटारा हो गया था। एक किराएदार बाकी था, उनका कुछ लेन देन चला था, भाई जी जोनल अधिकारी को खुद ही बोला था जो भी हो आप इनको करा करो, इनको खाली कर दो, उसके बाद हम तोड़ेंगे।
और आकाश विजयवर्गीय जी आए और उन्होंने आते से उनको मारना पीटना चालू कर दिया। वो ऐसा अधिकारी कि कोई भी आदमी चले जाए उनके जोन पे किसी को काम के लिए ना नहीं करता। इस अधिकारी के लिए मेरे को बोलना पड़ा और आप मतलब सभी को पैसे मिल चुके थे, खाली एक ही जने देखे सबको खाली कर दिया मकान। जो नाम कमाने में कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी उम्र लगा दी, एक सेकंड में खत्म कर दिया उनके बेटे।